खरगोन जिला प्रशासन ने मिट्टी से भरे एक डंपर को पकड़ने में सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि कलेक्टर के निर्देश पर भूमाफियाओं के चंगुल से शासकीय भूमि छुड़ाने की मुहिम चल रही थी। इस दौरान मिट्टी से भरे डंपर को पकड़ा, जिसमें बिना रॉयल्टी के मिट्टी का परिवहन किया जा रहा था। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ने पुलिस टीम की मदद से डंपर को पकड़ा और थाने पर भेजा। इस दौरान एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन मुक्त कराने पहुंचे थे, इसी बीच डंपर को पकड़ा है, जिस पर नियमानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। रॉयल्टी बेच रहे ना, उनके पास कटी हुई है रॉयल्टी, अभी तो वहाँ से कौन मिला खदान पे थे तो भैया डायरेक्ट काटते ना, वो उनके पास आती है फिर वो मेरे को मैसेज करते हैं। रॉयल्टी है क्या? हाँ भेज रहे हैं, वो उनके पास मैसेज जाता है फिर वो मेरे को ट्रांसफर करते हैं। जल्दी बुलाओ। डंपर भी पकड़ा गया है, क्या मामला सर इसका? हाँ, आज अतिक्रमण मुहिम के दौरान हम ग्राम मोमिनपुरा तरफ आ रहे थे, तब गिट्टी से भरा एक डंपर, दो डंपर थे, एक डंपर चला गया हमने रोकते रोकते, दूसरा डंपर हमने रुकवाया तो पाया कि उसमें कोई रॉयल्टी नहीं थी उसके पास। तो उसमें हमारे साथ टीआई साहब थे, टीआई साहब से एक बल लिया और बल के साथ में पुलिस थाने भेज दिया। इस तरह कार्रवाई होगी सर अब इसके ऊपर, बिना रॉयल्टी के ऊपर और अवैध रूप से परिवहन करने के संबंध में विधिवत प्रकरण संभालित करके माइनस। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।